This news bulletin is brought to you by Twice Health Formula के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुनलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूँ राबिया सफ़र। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे कोर्ट राधा किशन का, जहाँ टाइगर फोर्स के जेरे एहतमाम चक नंबर 55 में रेस्क्यू 1122 के हमरा फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी क़यादत तहसील कोऑर्डिनेटर सैयद ज़हीरुल हसन शमसी ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा। जी, कोर्ट राधा किशन चक नंबर 55 में टाइगर फोर्स के जेरे एहतमाम रेस्क्यू 1122 के हमरा प्रोग्राम मनकद हुआ, जिसकी क़यादत सैयद ज़हीरुल हसन शमसी ने की, जिसका बकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसमें रेस्क्यू ट्रेनिंग टीम के इंचार्ज इफ्तखार अहमद ने टाइगर फोर्स के जवानों को ब्रीफ करने के साथ साथ बकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, जिसको नौजवानों ने भरपूर तरीके से सर अंजाम दिया। इस मौके पर टाइगर फोर्स के तहसील कोऑर्डिनेटर सैयद ज़हीरुल हसन शमसी और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोर्ट राधा किशन चौधरी फरूक अनस ने टाइगर फोर्स के जवानों से खिताब करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स के किसी भी नागवानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी, मसला कश्मीर जनूबी एशिया में बसने वाले 1.5 करोड़ कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का है। इसी हवाले से अटक की मारूफ समाजी कारकुन शाइस्ता खालिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कश्मीर जन्नत नज़ीर, वो कश्मीर जिसमें कश्मीरियों के साथ जुल्म की इंतहा होती है, वो कश्मीर जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, वो तस्वीर है बेबस कश्मीरियों की, जुल्म बर्दाश्त करने वाले कश्मीरियों की, दर्द सहने वाले कश्मीरियों की। कश्मीर जल रहा है, वहाँ खून की होली खेली जा रही है। कश्मीरियों का खून ना हक बहते हुए आज तवील अरसा गुजर चुका है। कश्मीरियों ने आज़ादी की खातिर कई कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े और जवान शामिल हैं। हत्ता के औरतों ने भी आज़ादी की खातर अपनी जानों की कुर्बानियों से भी गुरेज नहीं की। कश्मीरियों का खून इतना ही कीमती है जितना दुनिया की दिगर अकवाम का, लेकिन फिर भी बहाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में पुरअमन एहतजाज करने वालों को जुल्म व जबर का निशाना बनाया जा रहा है। इंसानी हकूक की संगीन पामालियाँ हो रही हैं, लेकिन अक़वामे मुत्तहिदा और आर्मी बरादरी ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो काबिले मज़हम्मत है। खबर शामिल करेंगे कोर्ट राधा किशन से, जहां 6 सितंबर यौम शहदाए पाकिस्तान के सिलसिले में हनी टाइगर तेक्वांडो कराटे क्लब के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत क्लब कोच इकबाल रहमानी ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा। जी, मुल्क भर की तरह कोर्ट राधा किशन में 6 सितंबर यौम शहीदा यौम दफा बड़े जोश जज्बे से मनाया गया। इस हवाले से एक बहुत प्यारा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। कराटे टीमों के खिलाड़ियों ने अपने अपने फैन के हुजूर दिखाए और शहीदा को खराज तशीन पेश किया। और कराटे क्लब के कोच इकबाल रहमानी का कहना है, हम अपने मुल्क की बका सलामती की खातर अपनी जान की कुर्बानी देने से कभी ज़ाया नहीं करेंगे और दुश्मन को सबक सिखाना जानते हैं और अपना दफा करना भी जानते हैं। जी, मुल्क भर की तरह अटक में भी यौम दिफाए पाकिस्तान अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर शहीदों की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। रेस्क्यू 1122 अटक ने भी अपने शहीद मोहम्मद उस्मान की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद नदीम।
मुल्क भर की तरह अटक में भी योम दिफाए पाकिस्तान अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इससे मौके पे शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई और शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इससे मौके पे रेस्क्यू एलकार 1122 अटक मोहम्मद उस्मान शहीद की कब्र पर भी फूलों की चादरें चढ़ाई गई और उनके लिए बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। इससे मौके पे अफसरान और दीगर स्टाफ ने शहीद रेस्क्यू एहलकार 1122 अटक मोहम्मद उस्मान की फैमिली और वालदैन से खसूसी मुलाकात की और उनके लिए तहाइफ भी पेश किए। इससे मौके पे रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया, रेस्क्यू 1122 के जवान जज्बाए हुबल वतनी से सरशार होकर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और किसी की भी जान बचाने के लिए खतरात से खेलते हैं। शहीद रेस्क्यू एहलकार दुराने डिप्टी मोहम्मद उस्मान ने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह रबर इज़्ज़त शहीद रेस्क्यू एहलकार अटक मोहम्मद उस्मान के बुलंद दर्जात फरमाए। शहीद हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। कैमरामैन मलिक कामरान के साथ मोहम्मद नदीम, ANN न्यूज़। ज़िलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोधरा शेख इफ्तखारुद्दीन तारी की रिहाइश पर यौम दिफा के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मौजूदीन ने इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। दिरे असना हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। इस वक्त वहाँ से ब्यूरो चीफ ANN न्यूज़ इमरान अली अवान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमाओं के हमराह हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान अली अवान, अहवाल बताइएगा। जी 6 सितंबर यौम दिफा है आज और इस हवाले से शहर भर में शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 1900 जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो अपना हथियार फेंक कर वापस भारत रवाना हुए और यहाँ से भागे। तो इसी हवाले से आज ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख इफ्तखारुद्दीन तारी साहब की रिहाइशगाह पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तो इसमें उनके छोटे भाई शेख सैफुद्दीन साहब जो ज़िलाई रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मेरे साथ हैं। इनसे पूछते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे शहदा के लिए बहुत यादगार दिन है। 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है सन 1965 की जंग, जिसमें हमारी अफवाज ने इंडिया को उसकी औकात याद दिला दी थी। और हम सलाम पेश करते हैं अपने शहदा को जो शहीद हो गए उन्हें अकीदत पेश करते हैं और जो गाजी हैं उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज का दिन हमारे कायद हमजा शहबाज शरीफ साहब की जन्मदिन का दिन भी है। आज हम हमजा शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं, हमजा आपने घबराना नहीं, हमजा शहबाज शरीफ साहब अब आपने घबराना नहीं, ये अवाम आपके साथ है और आज ये न्याजी गठजोड़ ख़त्म हो जाए और एहतसाब किया जाए, ये सब के सब ही खुद गिरफ्तार होंगे। ये जो तब्दीली सरकार आई हुई है, डेली इनके ऊपर किसी न किसी इनके मिनिस्टर के ऊपर केस बनते हैं, डेली किसी न किसी के ऊपर। उनका एहतसाब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नून लीग का एहतसाब होता है। ये बस मेहरबानी की जाए, मेहरबानी। साबिक सदर अंजमन ताजरान लोधरा तासिम मसूद भट्ट साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या पैगाम देते हैं। जी आज का दिन हमारे शहदा की याद में मनाया गया है और 6 सितंबर 1965 को अजम इस्तकलाल शुजात और बहादुरी की जो लाजवाल दास्तानें रकम की गईं, हमने इकट्ठे होकर वो उनको याद किया। चविंडा के मकाम पर MM आलम ने 52 सेकंड में हिंदुस्तान के 5 जहाज़ों को गिराया। मेजर अजीज भट्टी शहीद, राशिद मिन्हास और ऐसे दीगर हमारे शहदा, हम उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा हमारे कायद हमजा शहबाज शरीफ साहब की आज सालगिरह का दिन है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए सिर्फ एक शेर में मैं अपने पैगाम को समो देता हूं कि वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है।
जी ज़िले रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साद खुर्शीद कांजू साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या पैगाम देते हैं। जी कांजू, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन सिर्फ 1965 के शहदा ही नहीं बल्कि 1947 से लेके और उससे पहले से जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के बनने से शहदा से लेके और आज तक जितने भी लोग पाकिस्तान पर कुर्बान हुए हैं, हम उन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके जज्बों को सलाम करते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला, वैसे ही वो अल्लाह कहता है कि शहीद कभी मुर्दा नहीं होता, वो ज़िंदा होता है, इंशाल्लाह वो जन्नत के अंदर होंगे और बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और लोग जिनके जो लवायकीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हम उनके दिल की गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसी नस्लों को पैदा किया जिन्होंने इस मुल्क और इस्लाम और इस दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और हम उन तमाम लोग जो सब पाकिस्तान की सरदों पर लड़ रहे हैं, हम उन्हें ये पैगाम देते हैं कि आप हमारा सर का ताज हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं, आप हमारा गरूर हैं, हम आपको ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। इसी तरह जो आज हमारे कायद हमजा शहबाज साहब की सालगिरह का दिन है, वो भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वो भी एक ऐसा वक्त गुजार रहे हैं कि जो ऐसी सज़ा भुगत रहे हैं जिसकी उनको जुर्म नहीं किया है और जुर्म का एप्लीकेशन भी उनके खिलाफ अभी तक जो है वो दर्ज नहीं की गई है और सबमिट नहीं की गई है, उसके ऊपर वो जो है वो अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, पिछले तकरीबन 19 माह के अंदर तमाम कैदीन बाहर आ गए हैं लेकिन वो अंदर हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और आप एक बार फिर इस अवाम के अंदर होंगे, आप इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इस पंजाब की खिदमत करेंगे और आप जैसे एक अच्छे इंसान की तरह भी वक्त गुजार रहे हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको आने वाले में मुल्कों आने वाले वक्त में इस मुल्क की बेहतरीन खिदमत लेगा आपसे। जी मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला लोधरा के कायद यहाँ के रहनुमा मलिक अताउल्लाह अवान साहब के साथ हूँ। तो ये 1965 की जंग के हवाले से ANN TV से गुफ्तगू करेंगे, तो मैं मलिक साहब से पूछता हूँ कि आपने 1965 की जंग के हवाले से क्या हमें बताना पसंद है। इमरान अवान साहब, शुक्रिया मेहरबानी आपकी। वैसे तो मैं फैसल कौम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, ये हमारा वतन है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला भी फरमाते हैं कि मैंने आपको कबीलों में तकसीम किया ताकि आपकी पहचान हो सके। इत्तेफाक़ की बात है कि आप भी अवान हैं। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम औलाद अली हैं और हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। 1965 की जो जंग हमने जीती अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जितने जितने सेक्टर पर लड़ाई हुई थी उसकी कमांड जो थे वो तमाम अवान कर रहे थे, जैसे जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब लीपा पे थे, छम जोड़िया महाज की कमांड जनरल अख्तर कर रहे थे, सियालकोट महाज की कमांड जनरल अली अवान के पास थी, लाहौर महाज का कमांडर जनाब जनरल सरफराज अवान थे, हवाई फ़ौज का कमांडर एयर मार्शल नूर खान अवान था और मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब अफकालबाग भी गवर्नर अवान था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि हमने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने बेटे, अपने जवान, अपने बुज़ुर्ग कुर्बान किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मिनहसल कौम हम एक दफ़ा फिर अपने पाकिस्तानी भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि अवान नस्ल का बच्चा बच्चा जहां जहां भी होगा, जब जब भी पाकिस्तान। इमरान अली अवान, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे राजनपुर का, जहां पर सूबाई वजीर आपाशी पंजाब सरदार मोहसिन लगारी ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजनपुर की तहसील जामपुर का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम अब्बास की इस रिपोर्ट में। राजनपुर सूबाई वजीर आपाशी पंजाब सरदार मोहसिन लगारी का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजनपुर की तहसील जामपुर का दौरा। सूबाई वजीर आपाशी पंजाब ने रोद कोहियों और दरियाए सिंध के पानी के बहाव का जायजा लेने के लिए हीरो फ्लड बंद कुतुब द्रीन और कादरा कैनाल के सैलाबी बंदों का दौरा किया और मुतलका अफसरान के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खरल, चीफ इंजीनियर इनहार डेरा गाजी खान राशिद मंसूर, एक्सियन रोद कोई फैसल मुश्ताक, एक्सियन अनहार हसन मुर्तजेज, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डेरा गाजी खान शाहिद रियाद और दीगर अफसरान भी सूबाई वजीर के हमराह थे। सूबाई वजीर को ज़िला में सैलाबी सूरत हाल और किए गए इकदाम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर आपाशी पंजाब सरदार मोहसिन लगारी का कहना था कि हीरो फ्लड बंद के साथ साथ ज़िला भर में दरियाए सिंध के पानी के बहाव की मुसलसल मानीटरिंग की जाए। कादरा कैनाल के साथ कुतुब ड्रीन में रोद कोहियों के पानी के बहाव पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। रोद कोहियों से आने वाले पानी की गुजरगाहों और दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों से लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की सूबाई वजीर आपाशी पंजाब को ब्रीफिंग, ज़िला भर में नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया रेस्क्यू 1122।
महकमा सिविल डिफेंस, पुलिस महकमा नहर और महकमा ज़रात रोड कोही और लाइफ स्टॉक समेत तमाम मुतलका महकमे हाई अलर्ट हैं और किसी भी एमरजेंसी से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिला भर में फ्लड रिलीफ कैंपों की निशानदेही करके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और लोगों के जानों माल की हिफाजत के लिए कोई भी कसर उठाना रखी जाएगी। गुलाम अब्बास, एनएन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा में 1965 के पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत और पाक फौज को सलामी पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली अवान। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत और पाक फौज को सलाम पेश किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ दानिशवर मार वकार अहमद ने की। मेहमाना ने खसूसी राना वारिस अली खान, राना यूनस अली खान और सैयद उमर अली शाह थे। तकरीब से ख़ताब करते हुए मार वकार अहमद ने कहा कि 1965 की जंग में पाक फ़ौज के जवानों और अफसरान ने जिस तरह दिलेरी से काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जो जवान और अफसरान शहीद हुए हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं कि वह सरहदों पर आवाम की हिफाजत के लिए मामूर हैं। मारूफ दानश्वर मायर तालीम राना वारिस अली खान ने कहा कि पाक फ़ौज आवाम के दिलों की धड़कन है और इस फौज की वजह से ही हम महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हम नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमेशा अहम इश्यूज़ को उजागर किया। राना यूनस अली खान, हबीबुल्ला खान बलोच, चौधरी अमीर अली, हाफिज सुहेल अहमद, राना अब्दुल हनान, सैयद उमर अली शाह और दीगर ने भी तकरीब से खताब किया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कोट डीजी में भी यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से नौजवानों ने रैली निकाली, जो कोट डीजी प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मंसूर अहमद पल। बिल्कुल, जैसा कि खैरापुर मीरज, कोट डीजी मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोट डीजी में भी 6 सितंबर यौम दिफा की मुनासिबत से नौजवानों ने रैली निकाली, जो कोट डीजी प्रेस क्लब पहुँच कर पाक फौज और उन अजीम शहदाओं को खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी कुर्बानियों को सराहा गया। कैमरा टीम के साथ मंसूर अहमद पल, एनएन ब्यूरो चीफ, खैरापुर मीरज। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर समानी में भी यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर शहदा की कब्रों पर हाजिरी और फातिहा खवानी भी की गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह यौम दिफाई पाकिस्तान 6 सितंबर लाइन ऑफ कंट्रोल समानी सेक्टर में भी भरपूर अंदाज से मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समानी आफज मोहम्मद अली ने हमरा स्टाफ दिफाई वतन पर जान कुर्बान करने वाले शुक्ता की कब्रों पर हाजिरी दी, फातह हवानी की और शुक्दा की कब्रों पर फूल निछावर की है। मुस्लिम लीग की रहनमा राजा रजाक कश्मीरी की शुक्दा की कब्रों पर भी हाजिरी दी। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सब डिवीजन समानी के सदर चौधरी मोहम्मद यूसुफ की क्यादत में कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने शुक्दाए सेरी बंडाला की यादगार और मुख्तलिफ इलाकों में शुक्दा की कब्रों पर हाजिरी दी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी परचम बुलंद किए। कश्मीर प्रेस क्लब समानी के साफियों ने सरसाला के मकाम पर वादी समानी के अजीम गाजी शहीद सिपाही राहील इकबाल की कब्र पर हाजिरी दी और फातह खवानी की। शहीद राहील इकबाल को यौम दिफा के मौके पर तगमाए बसालत के आज़ाद से नवाजा गया। इस मौके पर शहीद राहील इकबाल के वालिद गिरामी मोहम्मद इकबाल और शहीद के अजीज ओकार भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर समानी मोहम्मद अली ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि जिंदा कौमें अपने शुहदा की वतन की हातिर लाजवाब कुर्बानी को याद रखती हैं। वतन पाकिस्तान के दिफा के लिए आज तक दी जाने वाली कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। आज तजदीद अहद का दिन है। मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम मसल्ला अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है। खबर नगर से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNSC.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल आइन है। इसी के साथ राबे जफर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुबह।
चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली।